हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटी या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक जिसको हम बोलते हैं उसका इंट्रोडक्शन हमारा चल रहा है। इसके चार लेक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लगभग मैं सारे बता चुका हूँ। अब ड्राइंग पेंसिल किस प्रकार की होती है, उसका क्या यूज होता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी पेंसिल हम यूज़ करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं। तो पेंसिल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ड्राइंग में अच्छी क्वालिटी की पेंसिल यूज़ करने से ड्राइंग स्वच्छ व शुद्ध बनती है। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी ड्राइंग बनानी है तो हमें क्या है कि एक अच्छी गुड क्वालिटी की पेंसिल हमारे पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हार्ड पेंसिल ले लो और उससे ड्राइंग ड्रॉ करो, वो सही नहीं है। इसलिए हमें क्या है कि एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल लेनी चाहिए जिससे हमारी ड्राइंग शीट बहुत अच्छी और सुंदर दिखाई दे। चलिए अब हम देखते हैं पेंसिल। वैसे हमारे पेंसिल को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। एक होता है हार्ड, एक होता है मीडियम और एक होता है सॉफ्ट। ठीक है, तीन टाइप से हम बांटते हैं और हमारी टोटल पेंसिल होती है कितनी, 18 पेंसिल होती है। टोटल कितनी पेंसिल होती है, 18 पेंसिल्स होती है। कितनी होती है टोटल, 18 पेंसिल होती है और उनको बांट दिया गया है किस कैसे, हार्ड पेंसिल में, सॉफ्ट पेंसिल में और मीडियम पेंसिल में। अब देखते हैं और कौन सी पेंसिल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं वो भी हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। चलिए देखते हैं। ड्राइंग पेंसिल विभिन्न ग्रेड की बनाई जाती है। कौन कौन सी ग्रेड की बनाई जाती है ड्राइंग पेंसिल, सबसे पहले मैंने बताया आपको हार्ड पेंसिल। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, हार्ड पेंसिल। सबसे पहले आपको हार्ड पेंसिल आएगी। हार्ड पेंसिल में भी आपकी कितनी पेंसिल होती है, सिक्स नंबर्स होते हैं हमारे पेंसिल में, सिक्स नंबर होते हैं हार्ड पेंसिल में। और फिर होती है हमारी मीडियम पेंसिल, इसमें भी हमारी मीडियम पेंसिल में सिक्स नंबर्स होते हैं पेंसिल के, सिक्स पेंसिल इसमें। फिर होती है हमारी सॉफ्ट पेंसिल में भी हमारे कितने होते हैं, सिक्स नंबर्स होते हैं सॉफ्ट पेंसिल में। अब देखो हमारी जो पेंसिल होती है 9S से 7B तक टोटल हमारी कितनी पेंसिल बैठ जाती है, 18 पेंसिल बैठ जाती है। ठीक है, 9S से लेकर सबसे हार्ड पेंसिल जो होती है वो होती है 9H। जितना भी आप ऊपर को बढ़ेंगे उतनी हार्ड पेंसिल होती चली जाएगी। 9S हमारी सबसे हार्ड पेंसिल होती है और सबसे सॉफ्ट पेंसिल हमारी 7B और सबसे हार्ड पेंसिल हमारी कौन सी होती है, 9H, सबसे हार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो सबसे हार्ड पेंसिल में कौन कौन सी आती है, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H और 4H, ये हमारी क्या है, हार्ड पेंसिल है। उसके बाद आते हैं मीडियम पेंसिल में, डिक्रीज ऑर्डर में चलते जाइए। फिर क्या है, 3H, 2H, 2H, H, HB, F और B। ठीक है, ये सॉफ्ट पेंसिल में। अब चलेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। तो 7B सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है। जो सॉफ्ट पेंसिल होते हैं उनका यूज कौन करता है, जो ड्राइंग स्केच बनाते हैं, किसी की भी पिक्चर स्केच करते हैं, वो सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इन जो इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती है दोनों के बीच की यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर आइए, अब आपको हम बताते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में नॉर्मली HB, H, 2H, 3H, इंजीनियरिंग ड्राइंग में नॉर्मली ये पेंसिल, इस ग्रेड की पेंसिल यूज़ की जाती है। ठीक है, ये मीडियम हार्ड पेंसिल होती है। ठीक है, इनको हम मीडियम हार्ड पेंसिल बोलते हैं। ठीक है, आपकी कौन सी, HB, H, 2H और 3H, ये याद रख लेना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं, HB, H, 2H और 3H, इन पेंसिलों का हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं आजकल कौन सी क्लच पेंसिल यूज होने लगी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइंग में आजकल हम किसका, क्लच पेंसिल का यूज़ करते हैं, जिसको ऐसे बटन दबा के जिसमें हम नीडल पॉइंट डालते हैं, तो क्लच पेंसिल का आजकल बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी HB, H, 2H, 3H है उनका यूज हम इंजीनियरिंग में किस प्रकार से करते हैं और कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। चलिए हम सबसे पहले करते हैं HB पेंसिल के बारे में बात करते हैं। HB पेंसिल का यूज़ कहाँ करते हैं, बाउंड्री लाइन या आउटलाइन एक ही बात है। कोई भी आप ड्राइंग बनाएंगे, जैसा आपने ये एक स्क्वायर बनाया, तो ये इसकी आउटलाइन है, ये इसकी क्या है, आउटलाइन या इसकी बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन और आउटलाइन में हम किसका यूज करते हैं,
एचबी पेंसिल का, ठीक है, आपको याद रखना है एचबी पेंसिल का यूज करती है। फ्री हैंड लेटर, फ्री हैंड लेटर में और डायमेंशनिंग फिगर में और टाइटल में, जैसे कोई टाइटल डालना है, टाइटल डालना है आपको इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, टाइटल डालना है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, तो ये एक टाइटल है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, ठीक है। जैसे आपको टाइटल डालना है सॉफ्ट पेंसिल, ये टाइटल है सॉफ्ट पेंसिल, तो टाइटल में भी हम किसका यूज करते हैं, एचबी पेंसिल का यूज करते हैं। फ्री हैंड लेटर, फ्री हैंड लेटर लेटर आपको लिखना है, फ्री हैंड लेटर आपको लिखना है, जैसे आपने लिखा ए बी सी, तो फ्री हैंड लेटर में भी आप किसका यूज करते हैं, एचबी पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एच पेंसिल के बारे में, अब हम किसके बारे में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एच पेंसिल के बारे में। एच पेंसिल कहाँ यूज की जाती है, एच पेंसिल कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन जब हम किसी भी ड्रॉइंग की को बनाते हैं जो उसके बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोई भी ड्रॉइंग बनाते हुए उसके बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। और एरो हेड बनाने में, जैसे ये है और मुझे इसकी डायमेंशन शो करनी है, तो हम किसका पेंसिल का यूज करेंगे, एरो हेड बनाने में किसका यूज करेंगे, ये हमारी डायमेंशन है, ये हमारी क्या है, एरो हेड है, तो एरो हेड बनाने में हम एच पेंसिल का यूज करते हैं। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन जब हम किसी भी बॉडी के आगे कोई एक्स्ट्रा लाइन बढ़ाते हैं तो उसको हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड स्केचिंग करने में, यानी कि कोई भी ड्राइंग हम ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्री हैंड स्केचिंग करने में हम इसका यूज करते हैं। सर्किल या आर्क, कोई सर्किल बनाना है या कोई आर्क बनाना है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर कोई सर्किल बनाया तो मैं एच पेंसिल का यूज करूंगा, कोई आर्क बना रहा हो तब भी मैं किसका यूज करूंगा, एच पेंसिल का यूज करूंगा, ये आपको सबको याद रख लेना है, ठीक है। 2H और 3H के बारे में बात करते हैं, 2H और 3H के बारे में बात करते हैं, इसका आता है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन एक ही बात है, सेंटर लाइन और एक्सिस लाइन। सेंटर क्या है कि ये मेरा कोई स्क्वायर है 2 मीटर का, तो मुझे इसको बांट रहा है दो पार्ट में, तो मैं यहाँ पर सेंटर लाइन ऐसे प्रोवाइड करूंगा, तो ये मेरी क्या है, सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन ये होती है, ये हमारी कैसी होती है, सेंटर लाइन या एक्सिस लाइन। तो हमें किसी भी, यानी कि किसी भी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, वो हमारी सेंटर लाइन कहलाती है। तो ये किसके इस कौन सी यूज कर सकते हैं, इसमें या तो 2H या 3H यूज कर सकते हैं। ऐसे ही होता है हमारा डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन जिसको बोलते हैं, इससे अगला चैप्टर जो आएगा वो लाइंस का ही आएगा, सारे बता दूंगा। डॉटेड लाइन वह होती है जब कोई किसी भी बॉडी में कोई पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा और उसको हमें शो करना है, तो वहां पे हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं। और तो उनके लिए हम किस कौन सी पेंसिल का यूज करेंगे, 2H या 3H का यूज करेंगे। फिर आती है हमारी सेक्शन लाइन और हैचिंग लाइन, सेक्शन लाइन हैचिंग लाइन ये होती है, यानी कि किसी बॉडी का हमें कोई पार्ट स्पेशली दिखाना है, किसी बॉडी का पार्ट हमें स्पेशली दिखाना है, तो उसमें हम सेक्शन लाइन ऐसे सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी हमारी टोटल पेंसिल्स, ठीक है, ये हमारी टोटल पेंसिल थी जिनके बारे में हमने बताया आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी पेंसिल यूज करनी है याद रख लेना है, एच बी यूज करोगे, एच यूज करोगे, 2H यूज करोगे और 3H यूज करोगे, ये तीन, ये आपकी 4 पेंसिल है जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। नॉर्मली हमारी जो पेंसिल होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है हमारी हार्ड पेंसिल, एक मीडियम पेंसिल और एक सॉफ्ट पेंसिल, और इनमें भी हमारी टोटल नंबर्स ऑफ कितने होते हैं, 18 पेंसिल होती है और उनको हम डिवाइड करते हैं। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है हमारी, 9H, और सबसे सॉफ्ट पेंसिल हमारी कौन सी होती है, 7B, ठीक है। चलिए अब हम आपका नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ यहीं पर खत्म होता है, अब हम आपका नया जो चैप्टर चलेगा लाइंस का चलेगा, हम उसमें आपको लाइंस बताएंगे कौन सी लाइन कहाँ यूज की जाती है और कितने प्रकार की लाइंस होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।